हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, ये चैट जीपीटी आजकल लोगों की नौकरियां खाना शुरू कर चुका है। तो देखिए, एक छोटी सी वेबसाइट अगर आपको प्रिपेयर करनी है या वेबसाइट का मॉडल देखना है तो कैसे आप देख सकते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ चैट जीपीटी के माध्यम से। सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ये चैट जीपीटी ओपन है और यहाँ से जाना है आपको ट्राई चैट जीपीटी पर। यहाँ पर आपको टाइप करना है, देखिए किस तरीके से जनरेट कर रहा है कोड, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आसानी से आप निकाल सकते हैं, और एक छोटी मोटी वेबसाइट बनानी है तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा, या आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से थोड़े बहुत चेंजेस करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक छोटी सी वेबसाइट का कोड हो गया आपका, ये आपको कॉपी करना है, सिर्फ यहाँ से उठाइए, ये पकड़िए यहाँ से और इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ लिखा हुआ है कॉपी कोड, कॉपी कर लीजिए इसको और कॉपी करके ले जाके नोटपैड पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, अब ये पेस्ट हो गया, अब इसको सेव कर देता हूँ। एक बार ये सेव हो गया, अब इसको चला देता हूँ, यहाँ पे गया, इसको चला दिया। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी वेबसाइट सी जो है क्रिएट होकर आपके सामने आ गई है, ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप चाहे तो कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से ये वेबसाइट आपको दिखेगी, ठीक है। आप इसमें चेंजेस कैसे करेंगे, यहाँ पर जाकर के आपको जो भी यहाँ पर रिजर्व ऑल राइट रिजर्व 2023 के बजाय 24 रखना है, फुटर पे कुछ और रखना है, कुछ और लगाना है, तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर बनाना है HTML के साथ साथ, तो यहाँ पे टाइप करना है HTML कोड एंड, या ऐसे टाइप कीजिए HTML एंड जावास्क्रिप्ट कोड ऑफ क्रिएशन ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मान लीजिए बनाना है, तो यहाँ पे टाइप कीजिए, देखिए यहाँ पे सारा कोड आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहीं से उठाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए, बस काम होता चलेगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ से कॉपी उठाइए और फिर यहाँ पे पेस्ट करिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो कोड वेबसाइट वाली थी इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये सेव भी हो गया, अब इसको चला के देखते हैं एक बार क्या होता है, क्या रिजल्ट क्या आया। तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें मान लीजिए कुछ ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, तो 7 + 9 ऐड करना है, तो यहाँ पे 9 किया और यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाया तो 16 आया, देख सकते हैं। अगर डिवाइड करना है 3/8 करना है, तो जो भी डिवाइड करना है, यहाँ 163 हो गया, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, यहाँ पे देखिए आंसर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। कोई भी अगर इसमें आपको दिक्कत होती हो तो मुझे बता सकते हैं कॉमेंट करके, ठीक है।